हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभात पोद्दार। 1914 में एक किताब आई थी जिसका नाम था द वर्ल्ड सेट फ्री। इस किताब के लेखक थे एच जी वेल्स, और माना जाता है इस किताब में उन्होंने सबसे पहले बात की थी न्यूक्लियर वेपन्स की, तब जब ये वेपन्स बने भी नहीं थे। आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स की हिस्ट्री। तो बात है 1933 की। जर्मनी में धीरे धीरे नाजियों का शासन बढ़ता जा रहा था और उन्होंने ज्यूस को मार मार के भगाने की शुरुआत कर दी थी। इस चक्कर में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो ज्यू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उन्होंने जर्मनी छोड़ के ब्रिटेन और अमेरिका जाने की शुरुआत करी, जिनमें से एक प्रमुख व्यक्ति थे लियो सुजलार्ड, जो यूएसए चले गए। लियो सर वो व्यक्ति हैं जिनको एकेडमिकली फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को पेटेंट कराया था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था, तो लियो सुजलार्ड को लगा कि भाई ऐसा तो ना हो जाए कि जर्मनी अपना एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर दे, क्योंकि उनको ये तो समझ में आने लगा था कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं और इससे हम बम भी बना सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखें और उनको इस बात से अवगत कराएं कि भाई ऐसा बम बनाया जा सकता है और ये पॉसिबिलिटी है कि शायद जर्मनी भी ऐसा बम बना रहा है। प्रॉब्लम एक छोटी सी थी, उस तत्कालिक राष्ट्रपति अमेरिका के रूजवेल्ट, वो मानेंगे क्यों इनकी बात, ये इतने बड़े आदमी तो थे नहीं। तो इन्होंने अपने मित्र को, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको अप्रोच किया और कहा कि सर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक लेटर लिखें। आइंस्टाइन ने ये बात मान ली और आइंस्टाइन ने अपना साइन करके ये लेटर रूजवेल्ट को भेजा। अब जाहिर सी बात है, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन आपको कोई लेटर भेजेंगे तो उसका कोई ना कोई असर तो होगा। ये लेटर भेजा गया था 2 अगस्त 1939 को। वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया 1939 में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में दो साइड्स थी। एक साइड में थे मित्र राष्ट्र, इसमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, और दूसरी तरफ थे इटली, जापान और जर्मनी। और 28 मई 1940 को जर्मनी ने बेल्जियम पे अटैक कर दिया। बेल्जियम की एक कॉलोनी थी कॉन्गो, और कॉन्गो में माना जाता था सबसे बेहतरीन यूरेनियम के भंडार मिलते थे। जिस कंपनी के ये भंडार थे उनके जनरल मैनेजर थे एडगर सिंगर। एडगर सिंगर को एक चीज समझ में आ गई कि इस यूरेनियम की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाले वक्त में पड़ने वाली है और युद्ध में हो सकता है इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं बम बनाने में किया जाए। स्मार्ट आदमी थे, उन्होंने तत्कालिक प्रभाव से अपना आधे से ज्यादा यानी 1000 टन से ज्यादा यूरेनियम उसी टाइम न्यूयॉर्क भिजवा दिया और युद्ध के टाइम पहले ही वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। धीरे से ये खबर बाजार में पहुंची कि भाई बम बनाना है, बम बनाना है, तो बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और जब रॉ मटेरियल क्या है न्यूक्लियर बम का, तो यूरेनियम है। तो अमेरिकन आर्मी के कर्नल कीनत निकोलस उनसे मिलने आए और उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें यूरेनियम दे सकते हैं। एडगर सिंगर ने कहा यू कैन हैव द ओर नाउ, इट इज इन न्यूयॉर्क, 1000 टन्स ऑफ इट, आई वॉज वेटिंग फॉर योर विजिट। तो जैसे ही अमेरिकन आर्मी को यूरेनियम प्राप्त हुआ, उन्होंने शुरू किया 1942 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट यानी वो प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत बनाए जाएंगे सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब। इस प्रोजेक्ट को हेड करने वाले प्रमुख व्यक्ति का नाम था जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता है। 1943 इटली ने सरेंडर कर दिया। 12 अप्रैल 1945 को अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु हो गई, तो जो उपराष्ट्रपति थे तत्कालीन हैरी ट्रूमैन वो राष्ट्रपति बन गए। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मृत्यु हो गई। 8 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। तो देखिए, तीन राष्ट्र थे जिनसे आप लड़ रहे थे, इटली, जर्मनी एंड जापान। तो इटली सरेंडर कर चुका है, जर्मनी सरेंडर कर चुका है, लेकिन जापान ने अभी तक सरेंडर नहीं किया। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया अमेरिका के द्वारा, जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी। उसके 10 दिन बाद यानी 26 जुलाई 1945 को जापान, जो एकमात्र विरोधी बचा था वर्ल्ड वॉर 2 का, उसको एक वार्निंग जारी की गई। उससे कहा गया या तो आप सरेंडर कर दीजिए या आपका टोटल डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन इस वार्निंग में कहीं भी न्यूक्लियर या एटॉमिक बॉम्ब्स की चर्चा नहीं की गई। जापान ने सरेंडर नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या ये न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअली जापान पर डालना चाहिए, जिस पर बहुत विवाद हुआ है और वो विवाद आज भी जारी है। क्या ये मॉरली ठीक था, क्या ये लीगली ठीक था, क्या ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ठीक था। कई लोग इसका विरोध करते हैं और कई लोग कहते हैं कि शायद ये जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये बम नहीं डालते तो जापान सरेंडर नहीं करता, तो हजारों लाखों जाने और जाती जब हम जापान पे फतेह करने की कोशिश करते, और क्योंकि वो एक आइलैंड नेशन है तो उसको जीतना वैसे ही थोड़ा मुश्किल होता। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम डाला गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे फ्रेटमैन नाम का बम डाला गया। 1 लाख लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और हजारों लोग धीरे धीरे इस बम के प्रभाव के कारण मर गए। इसको आज तक का पहला और इकलौता यूज माना जाता है न्यूक्लियर बम का, जो किसी भी युद्ध में इस्तेमाल हुआ है। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का इतिहास खत्म नहीं हुआ, शायद ये शुरू ही हुआ था। 1945 में यूएसए ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। यूएसए ने यह टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कनाडा और ब्रिटेन की मदद से, लेकिन उसने इन दोनों को भी यह टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया
और रशिया को तो इस बात की कानो कान खबर तक नहीं थी कि अमेरिका ने इस प्रकार की टेक्नोलॉजी विकसित करी है, क्योंकि यूएसए और रशिया हमेशा एक विरोधी रहे हैं। 1949 तक रशिया इस दौड़ में शामिल हो चुका था और 1949 में रशिया ने भी न्यूक्लियर बम डेवलप कर लिए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटेन और फ्रांस, जो पुराने जमाने की महाशक्तियां थी, उनको लगने लगा कि वो इतने रिलेवेंट नहीं रहे, क्योंकि नई महाशक्तियां उभर रही हैं जो है अमेरिका और रशिया। तो दौड़ में रहने के लिए 1952 में यूनाइटेड किंगडम और 1960 में फ्रांस ने अपने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, और सबसे अंत में 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। देखिए, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद दुनिया में चालू हुआ था कोल्ड वॉर, जो बेसिकली अमेरिका और रशिया के बीच की लड़ाई थी, जिसमें एक्चुअली बम नहीं डाले जाते थे, गोलियां नहीं चलाई जाती थी, लेकिन एक दूसरे का विरोध किया जाता था। और यहां पे हर बार ये डर लगा रहता था कि कहीं अमेरिका रशिया पे बम ना फेंक दे या रशिया अमेरिका पे बम ना फेंक दे, तो एक बहुत ही डर का माहौल था। और इस हाइट में 1986 में ऐसा माना जाता है कि विश्व में 70,300 एक्टिव न्यूक्लियर बम थे। आज स्थितियां फिर भी ठीक है, 2019 का अगर डेटा देखा जाए तो 3,750 एक्टिव न्यूक्लियर वेपन माने गए, यानी हमने काफी कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दिया। 1957 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की शुरुआत हुई, जिसका काम था न्यूक्लियर एनर्जी को केवल पीसफुल यूज में लेना। अब आप कहेंगे कि भाई पीसफुल यूज कैसे, तो जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि भाई दो प्रकार के काम हो सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, बम भी बन सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी। तो इनका यह कहना था कि भाई सिविल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। 1967 में एनपीटी नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी की शुरुआत हुई, यानी 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना गया, और बाकी लोगों से कहा गया कि भाई आप मत करिए, यानी जो लोग बन चुके हैं वो तो बन चुके हैं, लेकिन आगे किसी को बनने की जरूरत नहीं है। यानी ये वही कहने की बात है, हमें तो भाई अंदर एंट्री मिल चुकी है, अब नया व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। इस ट्रीटी का बेसिक उद्देश्य था न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, यानी दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर वेपन है लोगों के पास वो खत्म किए जाए, और न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन को रोकना, यानी नए देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं जाने चाहिए। ऐसे चार देश थे जिन्होंने इस ट्रीटी पे साइन करने से मना कर दिया, जिसमें थे भारत, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सूडान। नॉर्थ कोरिया ने इस ट्रीटी पे साइन किया था, उन्होंने कहा था ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन कभी डेवलप नहीं करेंगे। 1985 में उन्होंने इस पे साइन किया था, लेकिन 2003 में वो बैकआउट भी हो गए, यानी आज तक केवल एक ऐसा देश है जिसने एनपीटी पे साइन किया और उसके बाद वो पीछे आ गया। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सूडान ने साइन ही नहीं किया। इंडिया का कहना था भाई ये तो गलत है, आपने तो अपने बम डेवलप कर लिए, आपने तो अपने सिक्योरिटी बना ली, हमारा क्या। 18 मई 1974 इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा पोखरण इंदिरा गांधी के अध्यक्षता में किया, यानी इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। इंडिया अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहता था, हम 1965 और 1971 का युद्ध लड़ चुके थे, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज मजबूत करनी है। सोचने वाली बात यह है कि हमारे पास ये बम डेवलप करने का मटेरियल कहां से आया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी तो कोई हमको बेच नहीं रहा, एनपीटी चल रहा है तो कोई भी व्यक्ति अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश को तो बेचेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजी तो खैर हमने विकसित करी, लेकिन मटेरियल यूरेनियम कहां से आएगा। तो देखिए, सिविल पर्पसेस के लिए आपको रॉ मटेरियल मिलता था, आपने उस मटेरियल को डिफेंस पर्पसेस में यूज कर लिया, यानी डाइवर्ट कर लिया। दुनिया को लग रहा था आप इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, लेकिन आपने बम बना दिया। इससे नाराज होकर 1974 में एनएसजी की स्थापना हुई, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसका काम था दुनिया भर में ऐसे मटेरियल, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को रोकना जिसका इस्तेमाल नए बम बनाने में किया जा सकता है। एनएसजी का जो स्थापना हुआ था वो भारत के स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के विरोध में हुआ था। आगे चलते हैं 1996 में सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की शुरुआत हुई, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो सिविल पर्पस हो चाहे वो डिफेंस पर्पस हो, हर देश को इस प्रकार के टेस्ट करने से रोका जाए। लेकिन 8 देशों ने ऑब्जेक्शन लिया और ये ट्रीटी कभी भी इफेक्टिव नहीं हो पाई, यानी इस ट्रीटी को हम इन्फोर्स नहीं कर पाए। जिन 8 देशों ने इस पे विरोध किया था उनमें से 5 देशों ने साइन तो कर दिए लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किए। जो 5 देश जिन्होंने साइन किया वो थे इजराइल, चाइना, इजिप्ट, ईरान और अमेरिका। इन्होंने साइन कर दिया लेकिन कहा नहीं हम इनको इन्फोर्स नहीं करेंगे। 3 ऐसे देश थे जिन्होंने साइन करने से इंकार कर दिया, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। उन्होंने अगेन यही कहा कि भाई साहब आपने तो बम डेवलप कर लिया, हमारा क्या। 11 मई 1998 को पोखरण 2 हुआ, हमने अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में हमने दूसरी बार न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। हमारे विरोध में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट किया और उसके कुछ सालों बाद 9 अक्टूबर 2006 को नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट किया। तो अगर आज की तारीख में हम देखें तो ऐसे 8 देश माने जाते हैं जिनके पास ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि एक देश ऐसा भी माना जाता है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी तो है लेकिन उसने ऑफिशियली कभी भी इसके लिए हाँ नहीं बोला है, और वो है इसराइल। न्यूक्लियर ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसके पास जमीन से, पानी से और हवा से न्यूक्लियर बम मारने की क्षमता हो, और आज की तारीख में ऐसा माना जाता है केवल 4 ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जो है अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया। अगेन ऐसा माना जाता है कि शायद इसराइल के पास भी ये टेक्नोलॉजी है लेकिन अगेन ऑफिशियली हम इस बारे में नहीं जानते हैं। तो इन देशों के अलावा अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन शेयर कुछ देशों के साथ करता है, यानी बम तो अमेरिका के हैं लेकिन इन देशों में वो हमेशा तैनात रहते हैं। ये देश हैं बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की। काफी विरोध होता है इस चीज का कि भाई देखिए बम आपके हैं लेकिन दूसरे देशों के पास क्यों है, कल को वहां का कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल कर ले तो उसके लिए दोषी किसको माना जाएगा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे देशों की जिनके पास एक जमाने में उनके ऐसे बम हुआ करते थे लेकिन अब उनके पास कोई बम नहीं है। सबसे प्रमुख है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने एक जमाने में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, 6 बम भी बनाए थे लेकिन 1990 आने से पहले उन्होंने अपने ये वेपन्स डिसमेंटल कर दिए। हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ 1945, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। अमेरिका और रशिया के बीच एक कोल्ड वॉर, एक शीत युद्ध की स्थिति थी जो 1991 तक रही थी। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, 15-16 देशों में वो बढ़ गया था, वो कोल्ड वॉर का अंत माना जाता है। तो कई ऐसे पार्ट्स थे यूएसएसआर के, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन, जहां पे यूएसएसआर के न्यूक्लियर बम्स थे, और क्योंकि यूएसएसआर का सबसे बड़ा पोर्शन रशिया माना गया तो ये सारे के सारे बम बेलारूस से, कजाकिस्तान से और यूक्रेन से वापस रशिया भेजे गए थे। 2008 123 एग्रीमेंट, ये नाम शायद आपने काफी सुना होगा। ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में हुई थी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये वो देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जिनके पास न्यूक्लियर रॉ मटेरियल है, और जो किसी भी उस देश को ये टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल नहीं देंगे जो एनएसजी का हिस्सा नहीं है। और क्योंकि इंडिया इसका हिस्सा नहीं था तो हमें ये रॉ मटेरियल नहीं मिलता था। अब जैसा कि हमने बात की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दो चीजों में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी इस्तेमाल होती है और बम बनाने में भी। हमने 2008 में एक एग्रीमेंट किया अमेरिका से और एनएसजी से कि हमको पार्शियल मेंबरशिप मिली। इसके अंतर्गत हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स और अपने सिविल एस्टैब्लिशमेंट्स की दो अलग अलग श्रेणियां बनानी पड़ी। 35 हमारे सिविल न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स थे, वो हमको देने पड़े इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंतर्गत, जहां पे वो अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स देखेंगे कि फॉलो हो तो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि भाई सिविल पर्पस का जो टेक्नोलॉजी है या जो सिविल पर्पस का रॉ मटेरियल है वो डिफेंस के लिए तो यूज नहीं हो रहा। इंडिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा कि हमने अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट की है और उसके बावजूद इस टेक्नोलॉजी को हमने किसी और देश को नहीं बेचा, तो अमेरिका ने हमारे लिए एक्सेप्शन पैदा करवाया। ये सोचने वाली बात है कि हमने ना CTBT पे आज तक साइन किया है ना NPT पे, उसके बावजूद भारत पहला ऐसा राष्ट्र बना जिसने ये साइन नहीं किए हैं फिर भी हमको मटेरियल सप्लाई होता है। अच्छा, इसके सामने आप देखिए पाकिस्तान, तो सर पाकिस्तान को तो इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है AQ खान। जैसे भारत में न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने का या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है होमी भाभा को या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, वहां पे AQ खान को ये श्रेय दिया जाता है। लेकिन 2004 में AQ खान ने कन्फेस किया था कि वो एक ब्लैक मार्केट रिंग चलाते हैं, यानी कालाबाजारी रिंग चलाते हैं जिसमें ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल को इधर उधर से जुगाड़ करते हैं, और उन्होंने ये रॉ मटेरियल ईरान को, लीबिया को और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को बेचा है। अब आपके देश में अगर ये न्यूक्लियर कंट्रोल है तो आपको तो इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। 2010 में बराक ओबामा भारत आए थे और उन्होंने भारत की NSG में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में फुल मेंबरशिप के लिए पूरी कोशिश करी थी, और उसके बाद से लगातार प्रयास जारी हैं कि भारत कहीं ना कहीं इस ग्रुप का मेंबर बन जाए। अनफॉर्चुनेटली चाइना हर बार बीच में आके हमारे इस प्रयास को विफल कर देता है। हालांकि एक सफलता हमको मिली 2016 में, जब भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा बना दिया गया। ये एक ऐसा ग्रुप था, अगेन इनफॉर्मल ग्रुप है, जिन देशों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये केवल आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो भारत इसका लेटेस्ट 35वां मेंबर बना है। अगेन ना हमने CTBT पे साइन किया है ना हमने NPT पे साइन किया, उसके बावजूद भारत की परफॉर्मेंस को देख के
भारत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, देखे यार भारत बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, हमको इस रिजीम का हिस्सा बनाया गया है। आज की बात करें, आज की तारीख में आपने कई बार सुना होगा कि ईरान पर सैंक्शंस लग जाते हैं, अमेरिका बार बार बीच में आ जाता है और कह देता है भाई ईरान ने न्यूक्लियर डेवलपमेंट करने की कोशिश करी है, न्यूक्लियर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको तोड़ा है, तो इसके कारण आप देखते हैं बार बार ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, व्यापारिक प्रतिबंध लग जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है, जितना रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए उससे ज़्यादा स्टॉकपाइल किया है या नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की है, शायद ये कारण है कि ईरान पर सैंक्शंस लगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड, थोड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक था, शायद कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी, फिर भी आपसे हर बार की तरह पूछूंगा कि आपको इस कैसा लगा, आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, और कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा कोई सजेशन हो, या आप अपना कोई नया टॉपिक इस पे चाहते हैं इस चैनल पे बात करने के लिए, तो कृपया बताइए। तब तक हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू।